पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे, आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे और किसी भी इलेक्शन में फैसला कुन किरदार के हामिल पंजाब में सियासी दर्जा हरारत नापने का एक और मौका मिला है और बड़ी सियासी जमातों की मकबूलियत भी जांचने का ये एक मौका था। ये था पंजाब के खानीवाल में ज़िमनी इलेक्शन, जहां पर मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर मैदान मारा और कल खानीवाल के हल्के PP 2206 में टून लीग के उम्मीदवार राणा मोहम्मद सलीम ने गैर हतमी गैर सरकारी नतज के मुताबिक 47,649 वोट लेके तहरीक इंसाफ PTI की नौरीन निषाद को 13,619 वोटों से शिकस्त दी। नौरीन निषाद को 34,000 वोट मिले। एक बार फिर साबित हुआ कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत थी उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो रही है और काबिले जिक्र इस सिलसिले में इशारे मिल रहे हैं। ये खानीवाल की नशस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के निशान डहा की वफात से खाली हुई थी, जिन्हें 2018 के इंतखाबात में 3,500 वोटों से उन्होंने ये इलेक्शन जीता था। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज तकरीबन 4 साल के बाद ये इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उससे कहीं ज़्यादा मार्जिन से जीती, गो कि आज हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और यकीनन ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरान जमात को रिवायतन एक एज हासिल होता है। यह भी दिलचस्प बात यह है कि निषाद डहा की अहलिया नौरीन निषाद नून लीग की नहीं बल्कि PTI की उम्मीदवार थी। गोया कि जिसने इलेक्शन जीता था वो इस दफ़ा PTI की तरफ चला गया था खानदान, लेकिन नून लीग के फातह राणा मोहम्मद सलीम ने 2018 के इलेक्शन तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ा था मगर हार गए थे। ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के मीर वासिक हैदर ने 15,000 वोट लिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि ये इससे पहले पीपल्स पार्टी ने इस हलके में तकरीबन 6,000 वोट हासिल किए थे। चंद हज़ार सही, लेकिन पीपल्स पार्टी के वोट में चंद हज़ार इजाफा भी एक काबिल जिक्र बात है। तहरीक लबैक पाकिस्तान इस इलेक्शन में थी और 9,500 वोट उसने भी हासिल किए। कल के इंतखाबी नतीजे ने एक बार फिर साबित किया है कि नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, जैसे कि अभी मैंने आपसे अर्ज किया। इस पर मजीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे मुमताज़ तंजियाकार और प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के होस्ट और इलेक्शन की सियासत को समझने वाले पाकिस्तान के बहुत ही तजुर्बेकार सहाफ़ी जनाब हबीब अकरम हमारे साथ हैं। हबीब अकरम साहब, तो क्या ये कहना दुरुस्त है कि बज़ाहिर जो है जो दर्जा हरारत है पंजाब का वो साबित कर रहा है कि नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो मुसलसल कम हो रही है, और खानीवाल का ये नतीजा जो है ये कितनी बड़ी तर्जुमानी है इस ख्याल की? खान साहब, पहले अगर हम देखें तो साउथ पंजाब में जनरली हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में अक्सरियत हासिल की थी। उसकी वजूहात ज़ाहिर है कि वहाँ के तमाम बड़े ख़ानदानों को इन्होंने अपने साथ मिला लिया था। और इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी खानीवाल भी जनूबी पंजाब का ही एक हिस्सा समझा जाता है, और ज़ाहिर है हिस्सा समझा क्या जाता है बल्कि है। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े ज़ोरों शोर से अपनी कैंपेन चलाई थी। पंजाब से कई मिनिस्टरों की ड्यूटी जो थी वो खुद वज़ीरे आला पंजाब ने लगाई थी, मरकज़ से बड़ी सपोर्ट फराहम की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना रंग नहीं जमा सकी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो कैंडिडेट जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था वो जब इधर आया तो यहाँ पर आके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुकाबले में पिछाड़ दिया। और खान साहब, ये कोई वाहिद मुकाबला ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो जब 2018 से अब तक अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्टोरल परफॉर्मेंस देखें जो बाई इलेक्शंस में रही तो वो काफ़ी पथेटिक है। मिसाल के तौर पे अगर अब तक हम देखें तो हमने देखा है कि नेशनल असेंबली में 18 ज़िमनी इलेक्शन हुए और उसमें PTI ने 8 सीटें छोड़ी थी जिसमें से उन्होंने 6 ली, और इसी तरह PMLN ने जो छोड़ी थी 3 और उन्होंने 6 ले ली, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 छोड़ी थी और उन्होंने 3 ले ली, अगरचे वो सारी सिंध में छोड़ी गई सीटें थी वो उन्होंने दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल कर ली। और पंजाब असम्बली में अगर आप देखें तो अब तक 20 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं पंजाब असम्बली में, और पंजाब असम्बली में PMLN ने जो 10 सीटें किसी भी वजह से कैंडिडेट की, जैसे निषाद डहा साहब कैंडिडेट थे, इनके थे मेंबर और फौत हो गए, किसी भी वजह से जब ये सीटें खाली हुई तो 10 थी,
तो उन्होंने 9 सीटें अपनी रिकवर कर लें, सिर्फ एक सियालकोट वाली सीट जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेने में कामयाब हुई, और उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा वहाँ के कैंडिडेट का बहुत बड़ा किरदार समझा जाता है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 सीटें खाली की थी, यानी मुख्तलिफ वजूहात से जो हुई थी उसमें से 7 रिकवर कर सकी। तो अब तक की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि मुसलसल जहाँ जहाँ ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपने भी और बिलखसूस पंजाब में भी इसके लिए पंजाब में तो इसके लिए रिकवरी भी बहुत ही मुश्किल है। और उसकी अगर आप बात करें अवामी सतह पर तो वो सिर्फ एक है, वो है महंगाई। चूँकि मीशत पे हुकूमत का कंट्रोल काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी निशानदेही आप भी अपने प्रोग्राम्स में बारहा कर चुके हैं, और वही एक वाहिद मामला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल एक और पहलू पंजाब की सियासत का गुज़िश्ता कल के इलेक्शन और गुज़िश्ता लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में सामने आई, जो पीपल्स पार्टी के वोट बड़े हैं, वो कि इसकी मुख्तलिफ शवाहिद सामने आए, उसकी वजूहात सामने आई हैं जिसमें कहीं कहीं बहुत वजन भी है, लेकिन बहरहाल ये शायद हमेशा होता है। लेकिन ये जो क्या ये काबिल ज़िक्र बात है, कल जैसे कि गुज़िश्ता इलेक्शन के मुकाबले में उनके 7-8 हज़ार वोट बढ़ गए, लाहौर में जो वोट मिले वो तो काफ़ी काबिल ज़िक्र थे, तो ये क्या इम्पॉर्टेंट बात है? कामरान खान साहब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात है, उसकी वजह यह है खान साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त रीड किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वोट इंक्रीज़ हो रहे हैं, अगर आप इसमें देखिए तो वोट कम ज़्यादा कम कहाँ पर हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट नीचे की तरफ आ रहे हैं, और जहां जितने वो नीचे की तरफ आ रहे हैं उतने ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर बेस है वो बुनियादी तौर पे वो था जो दरअसल पीपल्स पार्टी का था और एंटी नवाज शरीफ था। जब एंटी नवाज शरीफ वोट तकसीम होगा तो दरअसल इन्हीं दो पार्टियों में तकसीम होगा, आप इसे होम कमिंग कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। और या अब अगर जिस तरह ये ट्रेंड्स बन रहे हैं अगर हम आगे चल रहे हैं तो फिर हम ये प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि किसी मरहले में ये इतनी बड़ी हिजरत भी हो सकती है कि हम देखेंगे जहाँ पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाकर खड़ी हो जाए। और बिलखसूस जो जनूबी पंजाब का ये जो खानेवाल में होने वाला इलेक्शन है, खानेवाल से मतलब चंद किलोमीटर के फासले पे बल्कि एक घंटे से भी कम फासले पे मुल्तान है, उसके साथ कबीरवाला है। अब कबीरवाला में आप देखिए कि वहां पे जो जनूबी पंजाब के जो अहम खानदान है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रबते में आ रहे हैं, इसी तरह जो जनूबी पंजाब के अंदर जो होने वाली सियासत है उसमें लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से दोबारा रबता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर अवामी सतह पर अपना असर व रसूख नहीं पैदा कर सकी, वो सबका सब आज भी कैंडिडेट्स के हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया बकरम हमारे साथ मौजूद थे, कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे तुर्की का जहां पर मईशत पिघलती हुई नजर आ रही है, सदर तैयब अर्दोगान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल पाकिस्तान जैसी सूरत हाल नहीं है। यकीनन तुर्की की हालत पाकिस्तान से बहुत दगरगू है मगर मामलात यकसा हैं, और इसी कैफियत के अंदर हम देख रहे हैं कि तुर्की की करेंसी पिछले 3 से 4 महीनों के दौरान 100% घट चुकी है डॉलर के मुकाबले में, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मगर तुर्की के सदर का इसरार है कि इन्फ्लेशन की जितनी भी तेज़ी हो या जितनी भी महंगाई बढ़े शरे सूद कम से कम रहे, और इसके असरात हो रहे हैं और बज़ाहिर तुर्की की मईशत के लिए तबाहकुन असरात हैं। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद।